स्कूल जाते हो? कौन से क्लास में? पूरा रोड कवर करके चलती है, उस तरफ से भी नहीं निकल सकते। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी मैं बीकानेर से निकल रहा हूँ और हम जा रहे हैं अभी जयपुर। तो जयपुर है यहाँ से करीब 340 किलोमीटर्स और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:45 बजे, 2:45, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं बीकानेर से निकल रहा हूँ टुवर्ड्स जयपुर। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 340 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये स्टेशन है बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन, गोइंग टुवर्ड्स जयपुर। कल तो मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी, कल बारिश भी हुई थी ना, आई जस्ट केप्ट इट एज इट इज। तो आज ही निकाली है एंड डायरेक्टली गोइंग टू जयपुर। वो यहाँ से एक पुल क्रॉस करके उस तरफ जाना होता है। दिस इज रेलवे स्टेशन, मतलब ट्रैक है नीचे, समथिंग लाइक बॉम्बे में आप ईस्ट वेस्ट होता है ना वैसे। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया वैसे, क्योंकि रेलवे स्टेशन ट्रैक है और यहाँ पर पुल है, पुल के उस तरफ हमको जाना है। सो यहाँ से मुझे लगता है राइट लेना है टुवर्ड्स जयपुर। सो जस्ट तो जयपुर ऐसे जाना है, दिस इज़ द वे सीधा। सो जयपुर के लिए ऐसे जाना राइट साइड। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। YouTube चैनल, वो हेलमेट पे लिखा है, ये गाड़ी पे नहीं लिखा है। जयपुर जाने के लिए 4 घंटे लगेगा, 9 बजे पहुंचूंगा रात। 6 बजे तो 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे जयपुर के लगते हैं। आपका तो नाम क्या है? अच्छा, सोनू पंडित। अच्छा, स्कूल में स्कूल जाते हो? कौन से क्लास में हो? 9th में हो गया। अच्छा, ये गांव का नाम क्या? दुसाइन सर छोटा। अच्छा, तो यहाँ से क्या 5 घंटे लगेंगे लग रहा है जयपुर? बस से 3 घंटे लगते हैं। क्या बोल रहे हो, 6 घंटे लगता है बस से? 6 घंटे लगेगा, ठीक है। हाँ, बाय। तो एज ऑफ नाउ आई मीन डूंगरगढ़, ये हाईवे है, यहाँ पे चाय ब्रेक ले रहा हूँ। तो अभी जयपुर 5 घंटा दिखा रहा है। अभी हम रतनगढ़ पहुंच गए हैं। तो रतनगढ़ अभी 3 किलोमीटर यहाँ से, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा देखो कैसा है, पुराना वाला पुराना। कैन यू सी, यहाँ पर ना पीकॉक है, रोड क्रॉस कर रही है। अभी उसने रोड क्रॉस किया पीकॉक ने, वहाँ देखो पीकॉक है, अभी उसने रोड क्रॉस किया। राजस्थान में बहुत जगह देखा है पीकॉक्स ना रोड पे घूमते हैं एंड
इट्स रियली ब्यूटीफुल. सो स्टॉप ड्यू टू हैव दाल बड़े, इट्स लाइक 6:30. दो ना, गरम है ना, फ्रेश है ये. इतना मतलब ब्रॉड है ट्रैक्टर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. पूरा रोड कवर करके चलती है, उस तरह से भी नहीं निकल सकते. ओहो, सो ह्यूज, आगे से पता भी नहीं चल रहा है कौन सी क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है. सीट सो ह्यूज, क्या ये ट्रैक्टर है, पूरा रोड कवर करके. बहुत जगह मैंने देखा है जैसे पूरा रोड कवर करके चलते हैं. सबसे रोड ऐसे ही हैं, सिंगल रोड है, और ऐसे लेफ्ट साइड जाएंगे तो झुंझुनू जाएंगे, स्ट्रेट टूवर्ड सीकर जयपुर है, तो झुंझुनू जाने का ये रास्ता है. यहाँ से जयपुर दिखा रहा है 141 किलोमीटर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है. होप जयपुर तक ऐसे ही रोड 4 लेन रहे तो बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम. अगर ट्रैफिक है तो 2.5 घंटे मैक्सिमम. बाय फुल टैंक. हाँ 109 है, 109 रुपये ना. नाउ क्रॉसिंग सीकर, तो ये बाहर का रास्ता है सीकर का, सीकर के बाहर का रास्ता, लाइक रिंग रोड यू कैन से, बाईपास. तो बाईपास रोड है. लेटर ऑन जब मैं जयपुर के करीब आ जाऊँ, यू नो वहाँ तक मुझे पहुँचना है, सिटी तक. क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने गाड़ियाँ आ रही हैं आगे से, और अभी और आएंगे रात को, तो और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा हाईवे पे. सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू रीच योर डेस्टिनेशन, और एटलीस्ट नियर बाय, और उसके बाद आप खाना खाओ, रिलैक्स हो जाओ. इज़ अबाउट 85 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड है. नाउ आई हैव रीच्ड जयपुर, तो यहाँ पर अलग अलग रूट्स है उदयपुर के लिए राइट साइड, फिर अहमदाबाद के लिए भी राइट साइड, बहुत सारे रूट्स हैं यहाँ पर. सो आई जस्ट चेक. तो ये है होटल रूम इन जयपुर, जस्ट चेक्ड इन, और इधर बाथरूम, फुल रूम, यहाँ पर बालकनी भी है, नॉट बालकनी. ये है बाहर का व्यू. Guys, that's it, and I'm going to sleep in some time, and I'll see you guys in the morning tomorrow. You guys take care. Bye bye.